हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू आवर चैनल आकांक्षा रियल लाइफ ब्लॉग्स। और आज है होली का दहन। मैं वापस आ गई हूँ। मैं 10-12 दिन के लिए घर से बाहर थी, गई हुई थी, पद यात्रा गई और वैष्णो माता के गई, तो सब जगह से घूम फिर के वापस अब आ चुकी हूँ। होली इस बार घर पे मनाई जाएगी। पिछले 2 साल से ऐसा हो रहा है ना कि कभी होली में हम लोग घर पे नहीं होते हैं। 2 साल से ऐसा हो रहा है। 3 साल मेरे पदयात्रा को हो गया, 2 साल मैं बाहर थी। इस साल फाइनली सोचा कि नहीं, इस बार तो घर पे ही होली मनानी है, तो इस बार मैं आ गई हूँ घर पे। होली का दहन है आज, और आज जो है होली का पूजा जाता है, उसके लिए ढेर सारा खाना बनता है। और गोबर के मैंने आपको दिखाए थे ना कि वो गोल गोल जो बनते हैं, तो वो भी बने हुए, उसका माला पिरोया जाता है, उससे होली का पूजा जाता है। और जब होली का दहन होता है तो वो चीज़ें जाकर के वहाँ पे होली का दहन जहाँ होता है वहाँ पे दिया जाता है, और उसी से होली का जलती है। तो यहाँ ऐसा हर घर में होता है, हर किसी के घर में होता है, सब लोग ऐसा करते हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना, तो चलिए खाने में क्या क्या बना है मैं आपको दिखाती हूँ, और मैं क्या बना रही हूँ वो भी आपको दिखाती हूँ। और ये देखें, यहाँ पे जितने भी सूखा नाश्ता होता है वो बन चुका है। ये है सुहाली, बहुत लोग इसे जानते होंगे, मटरी भी बोलते होंगे, सुहाली भी बोलते हैं। ये है निमकी, इसी के आटे का बनता है, बट ये कटिंग में थोड़ा चेंज होता है, इसलिए कान्हा को निमकी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। और ये हैं मूँग दाल की बर्फ़ी, इसका वीडियो मैंने शायद अपने चैनल पर डाला भी है। ये मूँग दाल की बर्फ़ी है जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। खोआ हुआ डाल के बनता है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ये बना है बड़ा, मूंग दाल का बड़ा बना है, तो मूंग दाल ज़्यादा यूज़ होता है, मूंग दाल का ही बर्फी भी बना है। और मूंग दाल का बड़ा, इसको पानी में डाल के रात भर छोड़ देंगे ना तो ये खट्टी हो जाती है सुबह। और इसमें पटनिया राइस होती है, वो अगर पीस के डाल दो तो सुबह तक खट्टी हो जाती है, बहुत टेस्टी लगती है। और उसके बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ आलू परवल की सब्ज़ी। तो आज होली का दहन है ना, तो आज जो खाना बन जाएगा, हलवा बनेगा, पूड़ी बनेगा, ये आलू बॉईल करके मैं बना रही हूँ आलू परवल की सब्ज़ी, तो चिप्स वगैरह तले जाएंगे। तो इतना खाना बन जाता है ना आज के दिन कि कल होली वाले दिन खाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इतना ज़्यादा बनता है। और यहाँ पर बन गया है सबसे लास्ट में हलवा, और इसके ऊपर नारियल हम लोगों ने कद्दूकस किया है। तो सारा कुछ बन चुका है, और मम्मी यहाँ पर बैठ करके माला बना रही हूँ। गोबर के जो गोल गोल बनते हैं ना, उसको क्या तो बोलते हैं, मैं नाम नहीं भूल रही हूँ, यहाँ पे अगर याद आया तो बाद में कभी बता दूँगी। तो उसका यहाँ पे माला बन रहा है, और इसको पूजते हैं, और इसमें एक होली का बनाया जाता है। तो होली का देखिए इस तरीके से बनाया जाता है, और इसमें आप देख रहे होंगे आँख बनाया गया है, मुँह बनाया गया है। तो ये आँख जो बनाया गया ना, कौड़ियों का बनाया जाता है, कौड़ी को उल्टा करके चिपकाते, तो ये होली का बनाया जाता है, और इसी को हम लोग पूजते हैं। तो हलवा और पूरी, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक लोटा पानी है, और रोली चावल हलवा पूरी से जमाया जाता है इसको, और इस तरीके से हम लोग पूजते हैं। और इसको ले जा कर के जहाँ होली का जलता है ना, वहाँ पर दिया जाता है, उसी में जलाया जाता है इसको। तो ये सारी चीज़ें अब हो चुकी हैं, खाना वगैरह सब कुछ बन चुका है। अभी शाम के 6 बज रहे हैं, और हो गई हूँ मैं फ्री। अभी बज रहे हैं रात के 9, और अभी 9 बजे का टाइम था होली का दहन का। तो सारे लोग गए हैं, वो गोबर के जो मैंने दिखाया था ना, वो माला बनाई होली का बना के जो पूजा जाता है, वो लेकर के गए हैं। और एक डंडे में ना झाल जिसको बोलते हैं, उसमें चने का और गेहूं का जो होता है ना, लंबा लंबा सब चने का डंडल बांध के उसको आग में दिखा करके उसको पका के खाना होता है। और वहां से आग लाएंगे होली का वाला, उस पर पापड़ सेक करके खाना होता है। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो सारे लोग गए हैं, मैं नहीं गई हूँ, मेरा मन नहीं था जाने का। मुझे बहुत ज़्यादा थकान सी लग रही थी, क्योंकि अभी 10 दिन का वो करके आई हूँ ना, तो और जितने भी कपड़े थे, देखिए सारे कपड़े धुल करके तह लगा करके रख चुकी हूँ, तो वही सब करने में आज पूरा दिन निकल गया, ऊपर से इतना ज़्यादा खाना बनाना, तो पूरा हालत जो है वो टाइट हो रखा है, इसलिए मेरा मन नहीं किया जाने का, मैं नहीं गई। और कल है होली, आज है होली का दहन, तो हैप्पी होली का दहन आप सभी को, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में। कल तो ऑब्वियसली आप लोगों को करूंगी ही होली की मुबारकबाद आपको दूंगी, लेकिन आज भी। और बच्चे का एक्साइटमेंट जो होता है, देखिए काना पिचकारी तो पहले से ही मंगा लिया, और ये देखिए बहुत सारी उसने खरीदारी की है अपनी शॉपिंग, ये मास्क उसने लाया है, और दिखाओ क्या क्या लाया है, ये देखो ये वाला कुर्ता लेकर के आया है, और उसके साथ ये पिजामा। बच्चे का तो मतलब होता है ना, बच्चे का तो होता है कि कुछ भी त्यौहार आया तो बस उसे कुछ ना कुछ तो चाहिए ही। रंग उसे अभी नहीं दिया गया, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बाहर से आया ना, पानी वगैरह चेंज हुए, तो उसकी तबीयत जो थोड़ी सी ढीली लग रही है, सर्दी खांसी हो रही है। हाँ,
तो देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ इमली की चटनी खट्टी मीठी वाली, क्योंकि बड़ा बनाया है ना, तो कभी अगर दही बड़ा खाने का मन किया, कल खाना नहीं बनेगा, तो अगर वो खाने का मन किया तो फिर उसके लिए चटनी तो होनी चाहिए, तो इसलिए कल के लिए मैं आज बना करके रख रही थी। इसको मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था इमली को पानी में, उसको मैं अच्छी तरीके से मसल रही हूँ ताकि इसका जो गूदा है वो पानी में आ जाए और बीज जो है वो सारे निकल जाएँ। और हाँ, आप लोग कहोगे इतना पुराना वीडियो, होली का दहन तो कब का चला गया, होली आप बहुत लेट हो मैम, तो ऐसा है कि मैंने आपको पहले भी बताया मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, वीडियो रिकॉर्डेड था और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से नहीं हो पाई थी। तो अब जब मैं मतलब ठीक हूँ तो मैंने सोचा चलो अगर रिकॉर्डेड है तो फिर डाल देती हूँ, अगर नहीं होता तो नहीं डालती, लेकिन था इसलिए मैंने डाल दिया, सोचा चलो डाल देती हूँ। लेट ही सही, थोड़ा बहुत लेट तो हो गया, चलिए इसके लिए बहुत बहुत क्या बोलूँ मैं सॉरी बोल रही हूँ कि इतना लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं चलता है, अगर तबीयत ठीक होती तो मैं खुद ही पहले ही डाल दी होती, लेकिन ऐसा नहीं था। तो इसमें मैंने डाला है गुड़, गुड़ को भी मैंने पानी में भिगो दिया था, वो भी पिघल गया था, तो गुड़ चीनी और जितने भी गर्म मसाले होते हैं ना वो सारा कुछ मैंने इसमें डाला है। इसको उबाल रही हूँ मैं अच्छे तरीके से, उबल जाएगा ना तो इसमें अच्छी सी मतलब एक पता चल जाता है आपको, स्मेल से पता चल जाएगा कि आपकी चटनी जो है ना वो प्रॉपर तैयार हो गई है। तो इस चटनी को ठंडा करके मैं फ्रिज में रख दूँगी, और ये चटनी काफ़ी दिनों तक रहती है, ऐसा नहीं है कि ये ख़राब हो जाती है, काफ़ी दिनों तक रहती है और खाने में भी बहुत अच्छी, बड़े उड़े के ऊपर ना बहुत अच्छा लगता है ये चटनी खाने में। चलिए तो यही छोटा सा वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, और इसी छोटे से वीडियो को आप लोग को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ आप लोग होली सेफ खेलिएगा, घर में खेलिएगा और प्रिकॉशन ज़रूर लीजिएगा। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।